एवरीवन, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, प्रैक्टिकल नंबर 2A परफॉर्म किए. हियर इज़ द सेम कोड, सेम पेज पर हूँ मैं. एंड अभी हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 2B स्टार्ट करेंगे, 2B परफॉर्म करके देखेंगे. ठीक है, तो प्रैक्टिकल नंबर 2B में हमें बेसिकली क्या करना है, जैसे हमने प्रैक्टिकल नंबर 2A में ट्रायंगल क्रिएट किए, इन 2B वी हैव टू क्रिएट अ स्क्वायर. सेम वे में करना है, बट इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अ ट्रायंगल ट्रायंगुलर शेप, वी आर ड्राइंग अ स्क्वायर. तो यही से हम क्या करेंगे, अब न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके विल परफॉर्म द प्रैक्टिकल नंबर 2B. छोटे छोटे क्लिप्स बना रही हूँ ताकि तुम लोगों को देखने में भी आसानी हो सके, ठीक है, एंड ज़्यादा स्टोरेज भी ना लगे उसका. तो यही से हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ठीक है. जैसे ही हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के उसी पेज पे है जहाँ पे हमने 2A परफॉर्म किए. नाउ व्हाट वी विल डू, विल सिंपली क्लिक ऑन दिस फाइल बटन, ठीक है, विल हिट दिस न्यू एंड विल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है. तो स्टेप्स जो है ये नॉर्मली इसके भी सेम रहेंगे. यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे C# विंडोज़ एंड डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे. एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, विंडोज़ फॉर्म ऐप .NET फ्रेमवर्क चूज़ करेंगे. सिंपली हिट ऑन द नेक्स्ट बटन. यहाँ पे अगेन दे विल आस्क टू सेट द प्रोजेक्ट नेम, आई विल सिंपली गो विद दिस नेम ओनली. एंड फ्रेमवर्क में हमें चूज़ करना है .NET फ्रेमवर्क 2.0, हिट ऑन द क्रिएट बटन. तो ये सारे स्टेप्स सारे प्रोजेक्ट्स के लिए सेम है. .NET फ्रेमवर्क 2.0 सारे प्रोजेक्ट्स के लिए सेट करना है. और प्रोजेक्ट नेम तुम लोग कोई भी चूज़ कर सकते हो. आई एम सिंपली गोइंग विद द सेम नेम, ऐसे भी कर सकते हो और कोई और नेम भी डाल सकते हो, ठीक है. आफ्टर कमिंग ऑन दिस इंटरफेस, व्हाट द फर्स्ट थिंग इज दैट वी डू, हम लोग रेफरेंसेज ऐड करते हैं, ठीक है. तो राइट क्लिक ऑन द रेफरेंस, क्लिक ऑन द ऐड रेफरेंस ऑप्शन. अब मैं दोबारा उसको चूज़ नहीं करूँगी, वाई बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एडेड द नेसेसरी 3 DLL फाइल्स ओवर हियर. तो मैं सिंपली यहाँ से भी चेक कर सकती हूँ. जैसे ही तुम लोग एक बार कर दोगे ना, तो हर प्रोजेक्ट में वो 3 फाइल्स यहीं पे शो होंगे. तो जो भी उसमें से चाहिए वो यहाँ से चेक करनी होती है. तो हमें तीनों चाहिए, तो हमने तीनों को यहाँ से चेक कर लिया है, ठीक है. सिंपली हिट ऑन दी ओके बटन. नाउ यू कैन सी ऑन दी राइट साइड ऑल दिस 3 रेफरेंसेज हैव बीन एडेड. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम कोडिंग करते हैं. तो कोडिंग के लिए फॉर्म एरिया पे विल जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस फॉर्म एरिया एंड प्रेस द व्यू कोड बटन. व्यू कोड पर आ जाने के बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें कोड्स डालने हैं हमारे, ठीक है. तो एज आई सेड के मैं यहाँ पे टाइप नहीं करते बैठूंगी. तो आई विल जस्ट सिंपली ओपन द प्रैक्टिकल नंबर 2B. तो हियर दिस इज द प्रैक्टिकल नंबर 2B. व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली कॉपी दिस थिंग्स फ्रॉम हियर एंड आई विल पेस्ट इट इन माय विजुअल स्टूडियो, ठीक है. इस तरह से पेस्ट करते जाना है तुम लोगों को सारी चीज़ों को. पेस्टिंग कॉपी करने का पूरा स्टेप मेथड जो है ये ऑलरेडी 2 वीडियोज़ में तुम लोग देख चुके हो. तो अब तो तुम लोगों को ध्यान में आ गया होगा कौन से लाइन्स लेने हैं, कौन से लाइन्स नहीं लेने और कहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है. और कैसे चीज़ों को ऐड किया जाता है. कुछ चीज़ें हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं करते, हम लोग भी सिंपली ऐड दोज थिंग्स, राइट. तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है. बाकी के जो चीज़ें रहेंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है. एज आई सेड इनिट डिवाइस पे इनिशियली वो एरर बताता है, बाद में वो जो एरर है वो चला जाता है एज वी इनिशियलाइज द डिवाइसेस फ्रॉम हियर. तो इसको भी हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे एंड विल पेस्ट दिस थिंग्स इन आवर कोड. नाउ यू कैन सी एज आई हैव पेस्टेड ऑल दिस कोड, यहाँ का इनिट डिवाइस का एरर हट गया है. यहाँ पे अब सेम फॉर्मेट में एरर आ रहा है. तो प्रीवियस वीडियो में 2A वाले प्रैक्टिकल में जिस तरह से हमने इस फॉर्मेट का एरर एलिमिनेट किया, सेम वे में हमें इसका भी एरर एलिमिनेट करना है. उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लोड और पेंट की लाइन है वो ऐड कर लेंगे. तो उसके लिए वी सिंपली गो ऑन form1.cs, ठीक है, एंड वी जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस फॉर्म. जैसे ही फॉर्म पे डबल क्लिक करोगे तो देखोगे कि form1_load वाली लाइन ऐड हो चुकी है. नाउ विल ऐड द पेंट वाली लाइन. तो यहाँ पे आने के बाद प्रॉपर्टीज़ में ही नीचे जो है ये आइकॉन दिखेगा लाइटनिंग का. तो लाइटनिंग के आइकॉन पे जाना है एंड स्क्रॉल फॉर द अपीयरेंस एंड पेंट पे डबल क्लिक करना है. एज वी विल डबल क्लिक ऑन द पेंट, द ये form1_paint वाली लाइन भी जो है ये ऐड हो जाएगी. अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से ये रेंडर वाले ऑप्शन को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, रेंडर फंक्शन को, एंड वी विल पेस्ट इट हियर. सो सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दो.
अब देखोगे तो हमारे कोड में कोई एरर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट में एरर बता रहा है. तो व्हाट वी डू, वी जस्ट सिंपली टेक द कर्सर टू दैट फॉर्मेट. ठीक है, यहाँ पे नीचे दिखाएगा एक बॉक्स में शो पोटेंशियल फिक्सेस का ऑप्शन. ठीक है, उसका शॉर्टकट भी वहाँ पे दिया हुआ है, अल्ट प्लस एंटर या फिर कंट्रोल प्लस डॉट. तो यू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस शो पोटेंशियल फिक्सेस. यहाँ पे ऐड रेफरेंस करने के लिए कहेगा, तो यू विल सिंपली ऐड दिस रेफरेंस. जैसे ही हम वो रेफरेंस ऐड कर देंगे, यू कैन सी वो फॉर्मेट का एरर भी जो है वो हट जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से कोडिंग हमने कर ली है हमारे स्क्वायर की. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल प्लस एस से सेव कर लेंगे. नाउ दैट येलो लाइन हैज़ टर्न टू ग्रीन. नेक्स्ट स्टेप जो होते हैं वो होते हैं रनिंग के स्टेप्स. तो ये भी सेम रहेंगे, बिल्ड पे जाना है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पे जाना है. ठीक है, प्लेटफॉर्म के नीचे यानी सीपीयू पे हमें क्या करना है, न्यू क्लिक करना है एंड न्यू पे न्यू प्लेटफॉर्म हमें 86 पे सेट करना है. तो ये स्टेप्स भी सेम रहेंगे. विल क्लोज दिस विंडो. द अनदर स्टेप फॉर रनिंग इज़ गो टू डीबग विंडोज़ एंड एक्सेप्शन सेटिंग्स. यहाँ पर जाने के बाद नीचे जो है वो एक्सेप्शन सेटिंग्स ओपन हो जाते हैं. उसमें मैनेज डिबगिंग असिस्टेंस के अंदर वी हैव टू सर्च फॉर लोडर लॉग. लोडर लॉग देखोगे तो हर प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट ये चेक रहेगा. वी जस्ट सिंपली हैव टू अनचेक दिस एंड विल क्लोज दिस पैनल. तो वो अननेसेसरी एक्सेप्शंस अराइज नहीं करेगा. ठीक है, अब यहाँ तक हमारा सारा कोड जो है वो क्लीन एंड क्लियर है. वी डोंट हैव एनी एरर इन आर कोड. एंड हमारा जो रन करने के भी जो दोनों स्टेप्स है, दैट इज़ हमने हमारा प्लेटफॉर्म भी 86 पे सेट कर दिए हैं एंड हमने लोडर लॉक को भी अनचेक कर लिए हैं. वट वी विल डू नाउ, सिंपली हिट द स्टार्ट बटन. सो इट विल स्टार्ट डिबगिंग अवर प्रोग्राम एंड विल सी आवर आउटपुट एनी टाइम ऑन द स्क्रीन. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. तो दिस इज़ आवर आउटपुट. एज यू कैन सी नाउ, द स्क्वायर दैट वी हैव क्रिएटेड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट ट्रायंगल्स. मैंने दोनों ट्रायंगल्स के कलर डिफरेंट इसलिए रखी हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ सके कि हम लोग दो ट्रायंगल से स्क्वायर क्रिएट करते हैं. जब भी डायरेक्ट टेक्स में तुम लोग शेप्स को क्रिएट करोगे तो डायरेक्टली एज अ होल स्क्वायर या रेक्टेंगल हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते. वी हैव टू क्रिएट ट्रायंगल्स एंड देन वी हैव टू कंबाइन देम टू फॉर्म अ स्क्वायर और द रेक्टेंगल. ठीक है, पॉलीगोनल शेप्स इसी तरह से बनते हैं. ये चीज़ हमने थियरी पार्ट में भी देखे है, सारा खेल ट्रायंगल्स का होता है. तो यहाँ पे देखोगे तो अपर ट्रायंगल में जो अपर ट्रायंगल पार्ट दिख रहा है उसमें हमने ब्लैक कलर अप्लाई किया है एंड लोअर ट्रायंगल पार्ट में हमने येलो कलर अप्लाई किया है. और हमारा जो बेस है वो कॉर्नफ्लावर ब्लू कलर का है, जो हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल में अप्लाई किए थे वो कलर. तो इसको भी थोड़ा सा कोड में देख लेंगे कि किस तरह से हमने किए हैं. एज यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड टू ट्रायंगल्स. तो हमारा ट्रायंगल वन यहाँ तक है. ठीक है, यू कैन सी वर्टेक्स 0, वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 2. ठीक है, उनके पोजिशंस हमने वेक्टर 4 से यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स उनके अप्लाई कर दिए हैं सेम वे में जैसे हमने ट्रायंगल क्रिएट किए थे. फिर हमने जो फर्स्ट वाला वर्टेक्स है, ठीक है, उसका कलर अप्लाई कर दिए. कलर हमने उसको क्या कर दिए, ब्लैक दे दिए. दैट मीन्स ट्रायंगल वन का कलर हमारा कौन सा है, ब्लैक कलर है. ठीक है, उसके अलावा हमने दूसरा ट्रायंगल क्रिएट किए. ये हमारा रहा दूसरा ट्रायंगल. यू कैन सी टिल हियर वर्टेक्स V10, वर्टेक्स V11 एंड वर्टेक्स V12. ठीक है, तो दीज आर थ्री वर्टाइसेस ऑफ द सेकंड ट्रायंगल. यू कैन सी यहाँ पे भी हमने वेक्टर 4 से उसके भी कोऑर्डिनेट सेट कर दिए हैं. तो वो लोअर ट्रायंगुलर है. ठीक है, लोअर ट्रायंगल है. तो अब यहाँ पे देखोगे कि इसका कलर हमने किस पे सेट कर दिए है, येल्लो पर सेट कर दिए है. अगर हम यहाँ से कलर हटा दें या कलर चेंज करें ना, तो वहाँ पर भी कलर जो है वो सेट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा. उसके बाद हमने जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसका कलर यू कैन सी हियर कॉर्नफ्लावर ब्लू पे हमने सेट किए हैं. तो द अपर ट्रायंगल इज़ ब्लैक, लोअर ट्रायंगल इज़ येलो एंड द बेस इज़ कॉर्नफ्लावर ब्लू. हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये कलर्स को ना अब चेंज करके देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा कलर अप्लाई होता है नहीं. तो मैं क्या करूँगी, सिंपली आई स्टॉप डिबगिंग फ्रॉम हियर. जस्ट क्लिक ऑन दी स्टॉप डिबगिंग. अब हमारा आउटपुट चला गया है. अब हम पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो कलर है इसको चेंज करेंगे. तो हम ये ब्लैक को हटा के यहाँ पे भी येलो कलर अप्लाई कर देंगे. ठीक है, विल सिंपली अप्लाई दी येलो कलर हियर ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने येलो कलर अप्लाई कर दिया है एंड यू कैन सी अब दोनों ट्रायंगल्स जो है वो येलो कलर के. हम लोग बेस का भी कलर जो है वो चेंज कर देंगे. लेट्स सेट इट टू दी ग्रीन कलर. हम लोग ग्रीन कलर सेट कर देंगे बेस का. ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो सेम हमारे जो दोनों कलर है वो सेम है अब, और जो बेस का कलर है वो ग्रीन है. तो विल सिंपली प्रेस कंट्रोल प्लस एस. तो अब ये न्यू चेंजेस हमारे जो है वो सेव हो जाएंगे. सिंपली अगेन हम लोगों को स्टार्ट पे क्लिक करना है. अगेन हम लोग वो डीबग वगैरह करते नहीं बैठेंगे बिकॉज प्लेटफॉर्म हमारा ऑलरेडी सेट है. तो अब ये फिर से डीबगिंग स्टार्ट करेगा एंड विल सी आवर आउटपुट एनी टाइम ऑन द स्क्रीन.
the build has been succeeded and yes we can see the आउटपुट ऑन द स्क्रीन. अब देखोगे तो हमारे दोनों ट्रायंगल का जो कलर है वो सेम है, दैट इज अपर ट्रायंगल भी येलो है, लोअर ट्रायंगल भी येलो है. तो उसमें अब हमें पार्टीशन नज़र नहीं आ रहा है, एज अ होल एक कंप्लीट स्क्वायर नज़र आ रहा है. इनफैक्ट हमने क्या किया है, हमने दो ट्रायंगल से ये स्क्वायर को क्रिएट किया, पर अब पता नहीं चल रहा है बिकॉज दोनों ट्रायंगल का जो कलर है वो इक्वल है. इसके अलावा हमने जो बेस में ग्रीन कलर लगाए थे वो तुम देख सकते हो, ग्रीन कलर अप्लाई हो गया है बेस में इंस्टेड ऑफ कॉर्नफ्लावर ब्लू. तो जो भी कलर तुम वहाँ पर अप्लाई करोगे वो तुम्हारे इस तरह से आउटपुट में नज़र आएगा. जो भी कलर तुम लोग ट्रायंगल्स पे अप्लाई करोगे उस वो कलर का जो है वो तुम्हारा स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा. दिस इज हाउ वी मेक चेंजेस इन द कलर्स एंड दिस इज हाउ वी क्रिएट टू ट्रायंगल्स टू फॉर्म अ स्क्वायर एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल नंबर 2B जिसमें वी हैव क्रिएटेड द स्क्वायर. सो आई जस्ट सिंपली स्टॉप डिबगिंग फ्रॉम हियर एंड दिस इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल नंबर 2A एंड 2B. 2A में तो ट्रायंगल बनाए हमने और 2B में हमने क्या बनाए, स्क्वायर क्रिएट किए विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट ट्रायंगल्स. तो ओके, आई विल जस्ट